हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, जब भी एक न्यू आईफोन लेते हो आप लोग, तो उसमें जब अपना सिम कार्ड को इंटर करते हो, डालते हो, तो भाई वहाँ पर जब अपने कॉन्टैक्ट्स को ओपन करते हो, तो भाई वहाँ पर आपको कोई भी नंबर शो नहीं होता है। भाई बहुत लोग इस वजह से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि हमारे जो सिम कार्ड के नंबर है वो डिलीट हो चुका है। बट गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक सेटिंग करना पड़ता है, एक फीचर है जिसको इनेबल करना पड़ता है अपने आईफोन में, ताकि आपका जो सिम कार्ड का नंबर है ना, वो अपना नंबर्स को आप इंपोर्ट कर सकते हो अपने आईफोन में। बट गाइस, कुछ लोगों को यही प्रॉब्लम आ रही है कि वो लोग इस सेटिंग को नहीं कर पा रहे और उन लोगों को नहीं हो पा रहा और उन लोगों को पता ही नहीं है। तो भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी और स्टेप बाय स्टेप बताने लूँ कि कैसे आप अपने सिम कार्ड के नंबर्स को अपने आईफोन में या फिर आप अपने आईपैड में इंपोर्ट कर सको, और जब भी आप कॉन्टैक्ट्स को ओपन करो तो वहां पर आपके नंबर्स शो हो जाए। ठीक है, तो भाई जानने के लिए वीडियो को एंड तक आपको देखते रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको हमेशा की तरह दो काम करना है। पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है और साथ ही पता चलता है हमारी वीडियोज़ कितने लोगों को पसंद आ रही है। एंड जो सेकंड काम है, वो अब तक रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करके नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि जो हमारे नए नए लेटेस्ट वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हम अपने आईफोन की स्क्रीन पर।